एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल GS Lamp Education में। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो, अपने पास जो टॉपिक के साथ साथ टॉपिक का सी सेट का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके साथ साथ हम लोग क्या करें, क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया एज वेल एज जो प्रैक्टिस पेपर है वो सारा का सारा हम यहाँ पर डिस्कस करें। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते बढ़ते सी सेट के अभी हम लोग 14th लेक्चर पे आ गए और अभी हम लोग का क्या है ना, टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग टॉपिक चल रहा है जिसमें अभी तक हमने 2 लेक्चर ले चुका हूँ और ये हमारा 3रा लेक्चर है। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हमने एक कल क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या था कि राम कोई काम को यहीं पे मैं लिख लिया, तो राम अगर किसी काम को कंप्लीट करने में कितना देर ले रहा था, 30 डेज ले रहा था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा क्या, फिर श्याम भी था, वो कितना दिन ले रहा था, वो 45 डेज ले रहा था। और एक सीता थी, उन्होंने कितना दिन लिया था, उन्होंने 36 डेज लिया था। तो देखो, मैंने ये सारा चीज़ बताया था आपको, वो क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पहले आपको मैंने दिया था। फिर मैंने बोला कि जब ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो राम ने क्या किया, आफ्टर 5 डे राम क्या करता है, वो काम को छोड़ देता है। जब आफ्टर 5 डे राम काम को छोड़ देता है, अब राम लेफ्ट द वर्क 5 डे बिफोर द वर्क कंप्लीट, 5 दिन पहले राम ने क्या कर दिया, वो काम को छोड़ दिया। मतलब काम कंप्लीट होने में 5 दिन बचा हुआ था, राम ने क्या कर दिया, काम को छोड़ दिया। ठीक है, सॉरी, वो थोड़ा आवाज़, वो हवा चल रहा है ना तो आवाज़ आ रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। तो राम ने क्या कर दिया, वो काम छोड़ दिया, 5 दिन कंप्लीट होने वाला था। तो अब देखो, बोला ये जा रहा है यहाँ पे, तो देखो बोला यहाँ पे ये जा रहा है कि जब राम ने वो काम को छोड़ दिया 5 दिन पहले, तो उसके बाद 5 दिन पहले अगर छोड़ा और फिर क्या हुआ, जैसे राम ने छोड़ा तो राम के छोड़ने से 2 दिन बाद ही, मतलब मैंने क्वेश्चन बताया था कि आफ्टर 2 डेज है ना, सीता लेफ्ट द 2 डे आफ्टर राम लेफ्ट, तो राम ने जब छोड़ा तो 2 दिन आप ये मान लो, तो सीता ने फिर क्या कर दिया, 2 दिन बाद ही छोड़ दिया। जब राम ने छोड़ा तो 2 दिन बाद सीता ने क्या कर दिया, काम को छोड़ दिया। राम ने क्या किया था, 5 दिन पहले छोड़ा था जब काम कंप्लीट होने वाला था। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया, जब वो तीनों एक साथ काम करेंगे तो क्वेश्चन बोला गया कि क्या आंसर या क्या कंप्लीट करने में कितना वर्क या टोटल टाइम लगेगा। तो देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताया हुआ, अब आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे ये नहीं पता, जब दोनों जब तीनों साथ काम करेंगे, तो मैंने मान लिया कि एक्स या डी कुछ भी मान लो, फिर मैंने ये ऑलवेज बताया कि चलो तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो मैंने क्या लिखा, 1/30 राम का, सीता का, मतलब श्याम का एंड सीता का, हमें डी की वैल्यू निकाली, या डी भी मान लो या एक्स मान लो, कुछ भी जो भी मानना। फिर हमें बताया गया क्या, सीता ने 2 दिन पहले छोड़ा, मतलब 3 दिन सीता ने क्या किया, काम किया हुआ है। तो 3 दिन जब सॉरी 2 दिन पहले सीता ने छोड़ दिया, मतलब 5 दिन तो सीता ने भी छोड़ दिया था, राम ने भी छोड़ दिया था। दो दिन अब लिखा क्या, 2 दिन पहले सीता ने लेफ्ट किया, मतलब अभी भी 5 दिन जब कंप्लीट होने वाला था, तो 2 दिन पहले सीता ने लेफ्ट कर दिया, तो मतलब 3 दिन किसने काम किया, श्याम ने काम किया। लेकिन दो मतलब एटलीस्ट 2 दिन किसने मिल के काम किया, सीता ने और श्याम ने, पता है ये चीज़, अभी आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। और ये टोटल काम कंप्लीट होने में 1 दिन लग रहा था। अब आपके पास सारा चीज़ दिया हुआ, बस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैंने लिख दिया क्या, एक्स अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, 180 मान लेते हैं, यहाँ पे आता ही है, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, 6+4+5, और यहाँ पे 3 अपॉन में कितना, श्याम का कितना है, 45, और दोनों का मिला के कितना था, तो मैंने लिख दिया 1/45+1/36। अब बताओ, यहाँ से तुम लोग क्या x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल तो है, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो, तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया x × 15/180+3/45 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब इसको मैं लिखूँगा तो ये हो गया तुमको कितना, इसको मैं वही लिख देता हूँ, 180 लिख देता हूँ, ये हो गया 4+ ये हो गया 5, कर दिया 1, तो ये कितना हो गया, अब हम वो लिख दिया एक्स अपॉन में, इसको कैंसिल करेंगे तो 12+1/15 प्लस, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको जब हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से हमें मान लो इसको कैंसिल कर देते 90, फिर ऊपर 9 हो गया तो इसको कैंसिल, जैसे मान लो मैंने 9 कैंसिल कर दिया, 10 हो गया, तो कितना हो गया, 1/10 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम x अपॉन में 12, ये भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम x की वैल्यू चाहिए, इसको हम इस तरफ ले आते तो कितना हो गया, 1 माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/15+1/10। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, सिंपल है, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ये मेन क्या है, आपको क्वेश्चन समझना आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो ये हो गया 1 माइनस 2+3 5 5/30
और ये हो गया x अपॉन में 12, ये हो गया 6 माइनस 5 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ 6 हो गया, तो 6 माइनस 1 ये हो गया 5 अपॉन में 6, ये कैंसिल हो गया 2 और x की वैल्यू हो गई 10। मतलब जो टोटल टाइम यहाँ पे बोला जा रहा है कि तो सभी लोग अगर मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया जो मैंने पीछे क्वेश्चन दिया हुआ था। आप लोगों ने आई थिंक देखा हो क्वेश्चन, तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो मैं एक चीज 100% आपका यहाँ पे बता सकता हूँ कि जितना मैं क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ आपको, सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये मैं सोचा कि बस, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक बहुत ही प्रिसाइज करके रखा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो ये चीज़ आप देखना, मैंने पिछले क्वेश्चन दिया था, इसलिए मैंने दिया था कि आप इसको सॉल्व करो और आपको समझ आए कि आपको टाइम एंड वर्क में इशू हो रहा है या नहीं हो रहा है, या टाइम और वर्क समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। पढ़ते सभी हैं लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अभी मैं यूपीएससी का एक क्वेश्चन में अभी आपको बताऊंगा बोला क्या गया था इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्या बोला कि क्वेश्चन भी हम यहाँ पे लिखते हैं, बोला गया कि पी है, ठीक है, वन मिनट, पी पी क्या करता है, पी कोई काम को वर्क करता है, पी वर्क थ्राइस एज फास्ट एज, अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है ना, थ्राइस, और ये क्वेश्चन 2017 में, इसलिए मैं आपको बस समझा रहा हूँ, चेक कर लेना, थ्राइस एज फास्ट एज सी, या कुछ भी लिख दो ना, एज फास्ट एज क्यू, ठीक है। और पी एंड क्यू जब दोनों एक साथ वर्क करते हैं, तब मान लो कि पी एंड क्यू अगर जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, फोर टाइम्स बोला जा रहा है, फोर टाइम्स वो कैन वर्क फोर टाइम एज फास्ट एज किसके, आर के, दो ही क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। फिर बोला जा रहा है कि अगर मान लो तीनों के तीनों पी, अगर मान लो पी क्यू एंड आर अगर एक साथ वो काम कोई करते हैं, टुगेदर वर्क करते हैं, तो बोला जा रहा है कि उसका काम करने का जो या रेशियो क्या होगा जिससे वो पैसा अर्न कर रहा है। तो सबसे सिंपल क्या था, पहला इक्वेशन आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, इसको मैं थोड़ा दूसरा इंक ले लूँ जिससे आपको समझ आए। पहला दिया पी इज, मैं ये मान के चलता हूँ पी इक्वल टू, मैंने मान लिया क्या क्या दिया, थ्री थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, है ना, तो मैंने लिख दिया एक्स, 3x, मैंने क्यों, क्योंकि q की वैल्यू मैंने x मान ली है ना, यहाँ पे समझना है। अब p q और r भी है, तो अब हमें तो ये पता नहीं है, तो अभी मैंने क्या कर दिया, पहले हमें पता था q को मैंने x माना था, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, जब दोनों सेकंड में क्या बोला, p एंड q दोनों जब काम करते एक साथ तो क्या हो गया, चार टाइम किसके ज़्यादा होते हैं वो, मतलब क्या कह सकते हो उसको, आर के। तो मैं अभी इसको एक में रोक के रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला इक्वेशन तो ये दिया हुआ था, तो मैंने क्या लिखा, ये इक्वेशन मैंने मान लिया था, तो मैंने क्या लिखा, P प्लस क्यू इक्वल टू क्या था, 4R, है ना। तो P की वैल्यू मैं मान लेता हूँ क्या, P की वैल्यू मैंने बता दिया 3X है, और Q की वैल्यू X ऑलरेडी है। यहाँ मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ और यहाँ पे इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों को मैंने यहाँ पे इक्वेशन में पुट किया, ये इक्वेशन यहाँ से मैंने पिक किया, इसको इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो दोनों को जब किया तो 4R के बराबर हो गया, तो ये कितना हो गया, 4x इक्वल टू 4r, है ना, तो r 4 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, x इक्वल टू r हो गया, है ना। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, x r की वैल्यू भी क्या हो गई, x हो गई, यहाँ पे कोई इशू है, जब r की वैल्यू भी x हो गई, तो आपसे पूछा क्या जा रहा था, व्हाट इज द रेशियो देयर शेयर फॉर अर्निंग, तो ऑटोमेटिक p की वैल्यू अगर मान लो मैंने लिख दिया p इज टू q इज टू r, इसका रेशियो कितना है, 3x इज टू x इज टू x, है ना, x x कैंसिल कर दो तो कितना हो गया, 3:1:1, यही आंसर है, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आप चेक कर सकते हो कितना सिंपल था, बस अगर आपने स्टेटमेंट समझ लिया तो आप क्वेश्चन को क्या करो, बना के ले जाओगे। और मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा होगा, अगर कोई भी इशू हो तो आप क्या करना मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। सेम है, देखो ऐसा ही एक मैं प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, और बहुत ही सिंपल है, ऐसे ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब पेपर में लेके बैठोगे ना या प्रैक्टिस पेपर करोगे तो आपको समझ आएगा इस चीज़ का। मैं ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन अभी आपको मैं प्रैक्टिस पेपर का दे रहा हूँ, बोला क्या जा रहा है कि ए ने कोई काम कर दिया, ठीक है, ए कैन डू एनी वर्क, लेकिन उस वर्क का उसने 1/4 सिर्फ काम किया था, 1/4 ऑफ वर्क को कंप्लीट करने में ए ने कितना दिन लिया, 30 डेज लिया। फिर बी ने क्या किया, बी की बात मैं कर रहा हूँ, बी ने क्या किया कंप्लीट करने में, 3/8 पार्ट वर्क को उसने कंप्लीट करने में कितना दे लिया, उसी में काम को उसने भी 30 डेज लिया। तो अब बोला जा रहा है कि जब इस दोनों का ए एंड बी अगर दोनों मान लो एक साथ रहेंगे, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट देयर वर्क टू फिनिश दैट वर्क इफ बोथ आर वर्किंग टुगेदर, ये आपका क्वेश्चन है।
आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो एक बार, ये आपके लिए प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन है, आपको अगर कुछ भी हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो। ये टोटल डेज पूछ रहा है कितने टाइम में इन लोगों ने ये काम कंप्लीट किया, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो। और आंसर भी मैं बता देता हूँ इसका, दोनों का मिला के 48 डेज होगा। ये क्वेश्चन याद रखना, कल मैं क्या करूँगा अगर नहीं आपको समझ आया तो इस क्वेश्चन को मैं डाल दूंगा अगले वाले जब मैं लेके बैठूँ आऊँगा अपना लेक्चर, लेक्चर नंबर 15 में ये क्वेश्चन के साथ ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं अभी तक जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो पूरा अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो क्या कर सकते हो आप, कमेंट सेक्शन में या नहीं तो आप मुझे मेल करके मुझसे पूछ सकते हो। देखो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को आगे कंटिन्यू कितना मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि मैं मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा वो नहीं, आप ही लोग की उम्र का हूँ मैं, एक दो साल आगे पीछे होंगे उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो यार फुल के आप लोग भी कुछ मुझे सिखाओ, हम भी कुछ सिखाएं, आप लोग क्वेश्चन भी डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ वो क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बच्चों को देना चाहिए या दोस्तों को या किसी को भी समझा सकता हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नए टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या था, मैंने कल भी बोला था पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का ये टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके रिगार्डिंग दो तीन क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पूछे गए, और अभी भी मैं पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। तो देखो इसमें पहले तो हम दो चीज़ समझते हैं, जैसे पाइप एंड सिस्टर्न में क्या होता है आपको ही पता है, आपने ये चीज़ देखा होगा, इसमें दो चीज़ आप पढ़ते हो क्या, एक पढ़ते हो इनलेट, दूसरा पढ़ते हो आउटलेट, हमेशा आपने ये चीज़ पढ़ा होगा आउटलेट। तो देखो अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, पाइप को आपको पता है कि कभी भी अगर आप मान लो पाइप के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको ये पता है पाइप क्या होगा, या तो कनेक्ट होगा किसी टैंक से या रिजर्वायर से कहीं से, जिससे या तो उसमें भी दो केस होगा, अगर मान लो टैंक या रिजर्वायर से कनेक्टेड उसमें दो केस होगा, एक क्या होगा या तो वो फिल कर रहा होगा या दूसरा क्या होगा या उसको एम्प्टी कर रहा होगा, है ना, यही दो केस होगा। इसी के रिगार्डिंग क्या है ना पाइप्स एंड इसमें क्या है ना क्वेश्चंस वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि देखो आप अगर मान लो कोई अगर मैं लेटेस्ट सपोज मैं इनलेट की बात करता हूँ यहाँ पे, तो इनलेट में आपने देखा एक चीज आपने समझा होगा, इनलेट का जब मैं बात करता हूँ तो कोई भी पाइप क्या होता है, अगर मान लो कोई पाइप है, अरे यार कौन सा ले लिया, अगर मैं इनलेट की बात करता हूँ एक पाइप है, ठीक है, पाइप क्या होता है वो पाइप हो गया या टैप, कोई भी चीज आप ले लो वो कनेक्ट है, कनेक्ट करता है किससे, मान लो मैंने बोल दिया कनेक्ट विद टैंक या किसी भी चीज से, या सिस्टर्न जिसको कह सकते हैं विद टैंक या सिस्टम या कोई भी रिजर्वायर से, अगर मान लो ये कनेक्टिंग की बात होती तो वो क्या होता है इनलेट की बात यहाँ पे करता है, हाँ उसमें भी अगर वो फिल कर रहा है, इफ इट इज फिल, क्योंकि देखो आपको पता पानी फिल होगा तो क्या कनेक्टेड रहेगा तभी तो पानी फिल होगा ना, तो वो इनलेट की बात करता है। आउटलेट में क्या होता है जब हम उसको एम्प्टी करते हैं, तो ये क्या होता है एक तरीके से, एक चीज समझना, आउटलेट हो या इनलेट हो इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, जब उस टैंक से या उस कनेक्टेड, जब वो टैंक मान लो वो मतलब पाइप जो है वो टैंक से कनेक्टेड है या किसी भी रिजर्वायर से कनेक्टेड है, लेकिन वो आउटलेट मतलब क्या होगा जब वो इम्पटी कर रहा होगा, मतलब वो क्या कर रहा होगा, वो खत्म कर रहा होगा, एक पता है ना इंसान के, हाँ आओ हम मिलके बैठ के खत्म करें ऐसा होता है, तो वो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग आउटलेट कहते हैं। तो दो डिफरेंस पता चल गया इनलेट और आउटलेट में। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि मान लो अगर हम एक यहाँ पे कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक दो बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको वर्क एंड टाइम में शुरू में जो मैंने तीन इंपॉर्टेंट टाइम बताया था उसी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आपको मैंने समझाए थे, तो आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अगर मान लो कोई भी इफ ए पाइप फिल ए टैंक, ठीक है, बोला जा रहा है अगर कोई पाइप है वो फिल कर रहा है टैंक को, बोला जा रहा है किसमें, किसी भी आवर टाइम ने दिया एन आवर में, या कोई भी टाइम आप ले लो, ठीक है, आपको दे दिया गया, तो बोला जा रहा है कि कितना पार्ट एक घंटे में, अगर मान लो ये मैंने बोल दिया और आपसे पूछ ले कि एक घंटे में कितना वो फिल करेगा, तो ऑटोमेटिकली अगर वन आवर की कभी भी बात करें तो क्या होगा, वन अपॉन में एन आवर, है ना, वन अपॉन में एन या वन अपॉन में जो भी चीज आप मानोगे, तो इतना पार्ट क्या होगा वो, जैसे मैंने वर्क डन के रिगार्डिंग बात किया तो सेम ऐसा ही है। इसी के रिगार्डिंग अगर मैं दूसरा कहाँ गया भैया, दूसरा मैं यहाँ पे बताऊँ आपको क्या बताऊँ, अगर मान लो इफ एक कोई भी पाइप है वो एम्प्टी करता है, मान लो कोई पाइप क्या कर दिया जो टैंक को खाली करना चाह रहा था, एम्प्टी अगर कर रहा है, सेम वही चीज है एन आवर में, या कोई भी चीज ले लो एन ले लो या एम आवर ले लो, तो वो पार्ट कितने मतलब एक घंटे में कितना पार्ट वो खाली कर पाएगा, तो क्या होगा वन अपॉन में एन या वन अपॉन में एम, जो आपको वहां पे लिखना जो आपको सटीक बैठ रहा है, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग अगर मान लो कि मैंने मान लिया कि थर्ड अगर मैं केस लेता हूँ, अगर मान लो किसी भी एक इफ अगर मान लो एक पाइप है
उसने क्या किया, एक बट्टा पांच वन अपॉन में एम ले लो या वन अपॉन में एन पार्ट उसने एक आवर में वन आवर में फिल किया, तो है ना। तो वो टोटल फिल करने में कितना टाइम लेगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो अगर टोटल टाइम कितना लेगा वो फिल करने में, तो कितना होगा, एम इंटू जो भी वहां पे एन है या जो भी टाइम है अपना, जो टाइम आपको एक घंटे का लगा ये टोटल टाइम, तो ये टोटल जो टाइम लगेगा किसके लिए, फिल करने में। या ऐसा ही सेम केस एम्प्टी केस में भी यही होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं एम्प्टी केस में यहाँ पे लेता हूँ, दैट्स कॉल्ड एम्प्टी केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब ऐसा ही आपको ये ग्रेजुअली आपको पता होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर मान लो फिल करते हैं तो टाइम क्या लगेगा, पॉजिटिव में जाएगा। अगर हम एम्प्टी करते हैं टैंक को तो टाइम क्या होगा, निगेटिव में जाएगा। तो ये चीज़ आपको बस आपको कंसेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। और मैं जो चीज़ अभी आपको बेसिक समझा उसी के रिगार्डिंग अपने पास कुछ क्वेश्चन है। जैसे देखो अभी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक रिजर्वायर को फिल किया गया। देखो बोला कि रिजर्वायर कैन फिल बाय टू पाइप, दो पाइप है ए एंड बी, समझना। तो हमने क्या लिया, दो पाइप है, मैंने दोनों पाइप को मैं लिख लिया, तो एक है ए पाइप एक है बी पाइप, दोनों टाइम ले लिया 15 आवर एंड 20 आवर दोनों लिया। बोला कि अगर वो वेन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग काम करें, लेकिन फिर बोला जाए देन व्हाट टाइम द रिजर्वायर कैन फिल, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। जब ये दोनों एक साथ का बात आया यहाँ पे, तो देखो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको पीछे भी एक चीज़ समझाई थी और अभी भी मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मान लो मैंने लिख दिया मतलब ए का टाइम कितना दिया हुआ है, इसने ए का टाइम दे दिया 15 आवर और बी का टाइम इन लोगों ने दिया 20 आवर। क्वेश्चन आपको बिना पेन यूज के भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप काम करने का पूरा प्रेफर करते हो। तो ये तो उन्होंने टोटल टाइम दिया, मैं अब ये भी कर सकता हूँ, ए ने अभी मैंने पीछे बताया एक घंटे में कितना फिल किया वो भी निकाल सकता हूँ। जैसे मैं एक डे में निकालता था वर्क के समय में, तो कितना होगा 1/15 पार्ट। बी ने एक घंटे में कितना फिल किया, तो कितना होगा 1/20 पार्ट या 1/20 पार्ट उसका। लेकिन अगर मान लो दोनों ए एंड बी, अगर मान लो दोनों एक साथ एक घंटे में कितना फिल करेंगे, अब तो हम निकाल सकते हैं वर्क फिल इन वन आवर में फिल अगर दोनों एक से कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 1/15 + 1/20। सॉल्व कर देंगे तो इसको कितना हो जाएगा, आप ये सॉल्व करके देख लो कितना होगा, ये हो गया आपको 30 and 300 ले लेते, चलो ठीक है 150, 180 पे भी आ जाना चाहिए था, या 300, चलो मैं 150 180 ले लेता हूँ यहाँ पे, चलो सॉरी 300 भी मल्टीप्लाई कर दो, 180 भी ले लो, तो 118 में ये हो गया तुमको 12 times, ये हो गया तुमको 9 times, मतलब कितना हो गया 21/180। क्वेश्चन समझना, ये हमारे पास पता चल गया। अब हमारे पास जब ये पता चल गया तो अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे, तो ये अभी हम 1 आवर का बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 7/60, यही होगा ना। अब देखो अब हमको क्या ना टोटल टाइम निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला था, तो टोटल टाइम व्हाट इज द टाइम रिजर्वायर विल फिल इफ दोनों एक साथ काम करेंगे, तो अब हमको क्या निकालना है, टाइम टेकन। मैं निकाल दिया टाइम टेकन बाय बोथ, मैं लिख दूं बाय बोथ पाइप, है ना, बोथ पाइप टू फिल द रिजर्वायर वर्किंग टुगेदर, जब या फिल द रिजर्वायर। तो अब हमें पीछे भी मैंने आपको बताया था कि क्या हो जाएगा, जो 1 आवर में लगता है वो अपॉन वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो कितना हो गया, ये हो गया 7/60। इसको जब हम रिवर्स करें तो कितना होगा 60/7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 8/7 = 56, 8/7 = 4/7 आवर। अगर इसको आपको बोल दे कि नहीं सेकेंड में या मिनट में निकालना, तो आप क्या करना, मल्टीप्लाई 60 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना मिनट होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। देखो यही रिजर्वायर का ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, या अभी नेक्स्ट जब मैं क्वेश्चन अभी बताऊंगा एक दो, जैसे देखो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ क्या 3/4 पार्ट फिल होने की बात की जा रही है ना। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक देखा था कहीं पे, चलो मैं अभी करके ही दे रहा हूँ। क्या बोला कि ए टैंक इज फिल इज 3/4 फिल फुल एंड अ पाइप ए कैन फिल द टैंक इज 12 मिनट एंड पाइप बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 8 मिनट। बोला जा रहा इफ बोथ आर ओपन देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू एम्प्टी। सबसे सिंपल देखो, अब आपको पता नहीं है
आपको यहाँ पे मिनट में दिया, आवर में तो अपन चेंज कर नहीं सकते हैं अभी, या आवर में करेंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई या डिवाइड ऐसा चलेगा, तो हम लोग मिनट में ही चलते हैं। तो देखो मिनट में चलते तो बोला 3/5, अभी बोला जा रहा है कि एक टैंक है जो 3/4 फुल है, अगर वो 3/4 है तो 1/4 क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, 3/4 क्या है वो फुल है, 1/4 क्या है ना एम्प्टी है, इसका अभी कुछ मतलब वो नहीं है, लेकिन अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना खाली है वो। अब नेक्स्ट कोई बोला कि पाइप ए कितना समय लेता है, 12 मिनट लेता है, तो एक मिनट में अब हम ये बोल सकते हैं ना पाइप जो ए पाइप है वो पाइप सॉरी पाइप ए जो है वो एक मिनट में कितना फिल होगा, तो फिलिंग का है ना, तो कितना फिल होगा 1/12 पार्ट, ठीक है टैंक को फिल करेगा। लेकिन अगर हम पाइप बी की बात करते हैं, पूरा सिंपल देखो, पूरा पाइप बी की अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट में कितना एम्प्टी करेगा, कितना करेगा 1/8 पार्ट वो एम्प्टी करेगा। तो अब हमें तो ये पता चल जाएगा ना कि कौन सा एक मिनट जो आफ्टर वन मिनट पाइप जो टैंक है वो फिल हो रहा है या एम्प्टी हो रहा है, ये तो हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट में हम अब ये निकाल देते हैं, इन वन मिनट हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या हो गया 1/8 - 1/12, या इसको आप डिवाइड पॉइंट में निकाल दोगे तो और आपके लिए बेटर है, लेकिन अभी चलो मैं इसी में निकाल देता हूँ। इसको कितना होगा 24, तो 3 - 2, तो यहाँ पे देखो 1/24 पार्ट क्या हो रहा है, एक मिनट में क्या हो रहा है, ये एम्प्टी हो रहा है, क्यों, क्योंकि एम्प्टी ज़्यादा हो रहा है एक मिनट में, है ना। तो अब ये पता चल गया कि मतलब अब एक मिनट में क्या हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, मतलब एक तरीके से कितना कितना हो रहा है 24 1/24। अब बोला क्या जा रहा है, इफ बोथ आर ओपन टुगेदर देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू एम्प्टी। तो सबसे सिंपल सा चीज़ क्या था, और आपको मैंने भी बताया क्या कि थ्री बाय फोर्थ फिल है और एक मिनट में एम्प्टी हो रहा है 1/24 पार्ट, है ना। तो अब एक चीज़ समझना कि अगर हमसे पूछता कि होल, अगर पूरा का बात बोलता, पूरा टैंक का अगर हमको बात करता, तो हमको ये पता चल गया टैंक को फुल, मतलब एक तरीके से क्या ना फुल या होल लिख लो, या होल टैंक को एम्प्टी होने में टोटल लगता 24 मिनट, है ना। लेकिन आपको कितना बोला जा रहा है, 3/4 पार्ट ही तो फिल है ना, तो आपको क्या, अगर 3/4 पार्ट फिल है तो इसको मतलब एक तरीके से खाली होने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 6, मतलब 18 मिनट में टोटल का टोटल टैंक क्या होगा, जब फिल हो जाएगा वो खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन बस समझना एक चीज, यहाँ पे 3/4 ही फुल है ना, लेकिन अगर हमको पता रहता कि कितना, अगर टोटल फिल फुल रहता तो 24 मिनट में खाली हो जाता, लेकिन 3/4 फुल है तो 18 मिनट में वो क्या हो गया, वो खाली एम्प्टी हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, उसमें डिफरेंस क्या था, उसमें क्या था, आवर में दिया हुआ था। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसा नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे नहीं, क्वेश्चन तो मैं बैक टू बैक करवाऊंगा। सीधी सी बात है कि मेहनत अपने अनुसार, देखो मैं 0% नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं 100-200 से ऊपर ही करूंगा। अगर आप लोग मोटिवेट करोगे तो मैं 200% आपको ऐसा सब क्वेश्चन दूंगा कि हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन करने के बाद पेपर में आपको सीसेट के रिगार्डिंग मैथ का कोई क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, कोई भी मतलब एक तरीके से टॉपिक को, प्रोबेबिलिटी हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, कोई भी हो, एनी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। जैसे अभी हम इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन देते हैं, हाँ यहाँ देखो यही क्वेश्चन मैं बोल रहा था, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है सेम यही क्वेश्चन मुझे, ये इसलिए मैंने कहा कि वो मुझे याद है, क्वेश्चन दिया हुआ था। अब बोला जा रहा है दो पाइप है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, आप देखो बोला दो पाइप को फिल, दे कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर, 6 आवर में दोनों पाइप का बोल रहा है। ए क्या करता है, ए टेक 5 आवर मोर देन बी। आप समझना, अगर ए 5 घंटा ज़्यादा लेता है बी के, तो एक चीज़ समझना, हमें तो बी का पता नहीं है, तो बोला जरा हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिल द सिस्टर्न, ठीक है। वो एक तरीके से वही होता है सीमेंटेड जो बना रहता है, एक तरीके से उसी की बात कर रहा था, हमें तो पता नहीं है, हमें बस फिल करना, चलो हम फिल कर देते हैं। बी अगर हमने मान लिया एक्स आवर में फिल करता है ना, अगर यह मान लो ए एक्स आवर में फिल करता है, कुछ भी ले लो ना, मैं मान लो ए हमको पता नहीं था तो हमने क्या लिखा, ए एक्स आवर में फिल करता है, तो बी क्या होगा, 5 घंटे कम लेगा, क्योंकि बोला भी क्वेश्चन में बोला गया ए टेक 5 आवर मोर देन बी, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, एक्स माइनस 5। अब बोला क्या जा रहा है, जब दोनों इफ द टू, अब पहले क्वेश्चन पर चलते, पहला लाइन में क्या बोला जा रहा है, टू पाइप, अब देखो दो पाइप है, जब दोनों एक साथ काम करेगा तो मजबूती से काम करेगा ना, तो बोला जा रहा है कि जब दो टू पाइप दे इफ द टू पाइप दे आर वर्क टूगेदर द ए एंड बी दे कैन फिल इन 6 आवर साइमेंटेनियसली, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से सिंपली फाइंड आउट करना है,
अगर दोनों बोल रहा है तो अब हमें क्वेश्चन को एकदम सिंपली वे में कोई टेंशन नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि 1 आवर में अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेते हैं टाइम जो टेकन किया जाएगा, ठीक है, टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय ए एंड बी, है ना, ए एंड बी, बहुत ही सिंपल है। देखो इससे बेटर, इससे सिंपल क्वेश्चन आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमें पता है तो क्या लिखेंगे, 1/x में एक्स लेता है, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया 1/x में एक्स प्लस फाइव। ये अभी मैं ये टोटल का 1 और टोटल टाइम कितना लेता है, ये 6 आवर। अब ये मत पूछना ये कैसे होगा, मैंने आपको बताया जब 1 आवर में अगर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 1/x में एक्स लिखे प्लस 1/x में एक्स अपॉन में फाइव, एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस फाइव नॉट प्लस फाइव, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैंने लिख दिया कि चलो हमको पता नहीं था तो हमने क्या लिख दिया, ए 1 आवर में फिल करता है, कितना पार्ट फिल करेगा, तो 1/x में एक्स, बी करेगा तो कितना करेगा, 1/x में एक्स माइनस फाइव, यही करेगा ना। और जब दोनों एक साथ करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 आवर के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो 1/x में एक्स प्लस 1/x में एक्स माइनस फाइव, ये 1 आवर के लिए था। लेकिन अब हमें निकालना क्या है ना, टोटल टाइम टेकन, तो हमने क्या लिखा, 1/x में जो 1 आवर में पार्ट कंप्लीट हुआ, हमेशा ऐसा ही करते हैं हम लोग, आपको मैंने पीछे भी समझाया क्यों, क्योंकि हमें अब टोटल टाइम के बात की बात की जा रही है, टोटल टाइम लगा 6 आवर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स अपॉन में एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स, सॉल्व करके थोड़ा देख लेना, 6, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x, तो 2x मतलब हो गया तुमको 12x माइनस 30, अब सॉल्व कर लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो वही हो गया एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 12x, नहीं नहीं 17 है ना, तो 15x और माइनस 2x प्लस 30, ये तो पढ़े हुए हो ना फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको फैक्टर करेंगे ऐसा, फैक्टर करेंगे मल्टीप्लाई करने पे प्लस 30 और उसको ऐड ऑन करने पे माइनस 17 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, एक्स माइनस 15, फिर इसको करेंगे तो माइनस 2 कॉमन, एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, एक्स की वैल्यू 1 आ गई 2 और 1 आ गया 15। अब देखो 2 वैल्यू मेरे पास आए, दोनों को पुट करेंगे, देख दोनों को पुट करेंगे तो हमें ये पता है कि क्या होगा, तो पाइप ए को हम अगर मान लो कि यहाँ पे अगर हम 2 पुट करते तो 2 पुट करेंगे तो एक्स की ए की वैल्यू मान लो 2 आवर है, तो बी की वैल्यू तो निगेटिव में चला जाएगा, मतलब बी ने कोई काम ही नहीं किया, तो मतलब ये क्या होगा, निगलेक्ट हो जाएगा। लेकिन तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 15 आवर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए ने जो टोटल काम का टोटल टाइम टेक किया उसको फिल करने में वो लिया 15 आवर। और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन था, इसीलिए मैं बोला था सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, तो आपको पता चल गया इसका आंसर क्या हो गया, 15 आवर। देखो मैं पूरा क्वेश्चन को यहाँ पे आपको इलोबरेट करके समझा रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब ऐसा ये क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से, और ये क्वेश्चन नहीं, ये नहीं पूछा गया शायद यूपीएससी वगैरह में, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए आप ले लो। एक क्वेश्चन मैंने ऊपर प्रैक्टिस के लिए दिया और ये क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको सॉल्व करके मुझे समझाना है। तो देखो ये सेम एक क्वेश्चन है, बोला क्या जा रहा है, ए पाइप क्वेश्चन समझना, बोला क्या जा रहा है, ए पाइप कैन फिल टैंक इन 12 आवर, ठीक है, ड्यू टू द लीकेज इन द बॉटम इट इज फिल इन द 16 आवर, इफ द टैंक इज फुल देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू एम्प्टी फ्रॉम दैट लीकेज। अब देखो ये बोला जा रहा है कि अगर एक पाइप को समझना, एक चीज को, एक मान लो मैंने ये सोच लिया कि एक पाइप है, एक पाइप है उसको मुझे पता चल गया कि वो 12 घंटे में फिल होता है। अगर मैं उसको ये ले लेता हूँ कि अगर उस पार्ट को, उस पाइप को मैं मान ये लिख के चलूँ कि मैंने पार्टली उसको फिल किया, पार्टली फिल किया अगर मान लो पाइप को, बाई 1 आवर में कितना फिल होगा, वो तो वो कितना फिल होगा, 1/12, भेद की नीति दिखा रहा है, ठीक है। और वहाँ पर बोला जा रहा है कि उस लीकेज के कारण वो कितना पार्ट उसका जो है कितना पार्ट जो है ना वो एम्प्टी होगा। ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको समझा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, किसके कारण, बाय लीक के कारण, तो कितना होगा आपको पता, 1 आवर में कितना लीक होगा, तो कितना होगा, 1/16 पार्ट, मैंने बोल दिया 1/16 पार्ट लीक होगा, लेकिन फिल होगा 1/12 पार्ट,
तो अब हमें पता चलेगा ना कि उस पार्सली एक चीज है, अभी मैंने बता दिया कि अब उस पार्ट को, उस पार्ट में पार्सली क्या होगा, एमपीटी होगा किसके थ्रू, पार्सली क्या होगा एमपीटी बाय उस पाइप के फिल होने के कारण, बोथ फिल और एंड लीक के कारण। तो कितना एमपीटी पार्ट एमपीटी होगा ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो कितना होगा अगर मैं ले लेता हूँ तो 1/12 माइनस 1/16, सिंपल सा, तो क्या होगा ये हो गया 1/48 पार्ट। तो देखो अब एक चीज समझना, अब आपको अगर कोई पूछता कि टैंक को फुल होने में, क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जा रहा है, टैंक को फुल एमपीटी होने में कितना टाइम लगता है, तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था, लेकिन पीछे में एक डिफरेंस क्या था, वहाँ पे 3/4 पार्ट फिल था, यहाँ पे मैंने बता दिया कि वो टैंक पूरा फुल है, तो अब उसको कितना मिनट लगेगा, कितना घंटा लगेगा। तो अभी मैंने बता दिया कि उस टैंक को उस लीक के थ्रू उसको टोटल 48 आवर्स लगेगा कंप्लीट होने में। आप बोलोगे सर ये कैसे, तो मैंने अभी आपको बताया कि टाइम टोटल टेकन में क्या होता है, टोटल टाइम टेकन में क्या होगा 1/1 में जो उतना पार्ट हुआ है कितने, 1 आवर में, तो कितना हो गया 1 आवर में होगा 1/1 में 48 पार्ट, तो कितना हो गया 48 आवर्स टोटल टाइम उसको टेकन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन को बस समझना और क्वेश्चन को उसी अनुसार से आपको मतलब आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो मैं ये आशा करता हूँ कि यहाँ जो अभी हमने एक पार्ट और जो यूपीएससी के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मैं ये इतना तो मतलब एक तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप लास्ट तक आए हो तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ क्या करना, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो उस लोग मतलब चैनल को, जिससे लगे कि हम मतलब यहाँ पे मैं कोई मोटिवेशनल या कोई अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। कंटेंट में अगर कोई इशू हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट में भी कह सकते हो या आप मेल भी कर सकते हो, और कंटेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ क्या करो, आप हमारे चैनल पर बने रहो और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और बहुत बहुत लोगों को ये चीज़ सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, जिससे क्या हो सके इसका रिकमेंडेशन आपको बैक टू बैक मिलता रहे। इसी के साथ अपना ये लेक्चर समाप्त होता है, मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत।